दिवाली ले एक ऐसा घर कि चार नहीं 400 लोग बोले कि घर हो तो ऐसा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब लोग। आपकी निशा एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर है एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी को लेकर। तो दोस्तों यही बोलना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के घर का टूर स्टार्ट करेंगे एलिवेशन से। एलिवेशन देखने के बाद आगे की जानकारी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आज के हाउस का एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा एलिवेशन दिया गया है, टेक्सचर वर्क किया गया है एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है यार अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है। बैल्कनी में जो रेलिंग लगाई गई है वो भी डिज़ाइनर आपको मिल रही है। तो एलिवेशन देखकर तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि घर बाहर से इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत बना होगा। तो फिर से यही बोलूँगी कि वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि यार निशा लोकेशन कब बताएगी, तो आ जाइए लोकेशन की बात कर लेते हैं। गोकुलपुरा में आज हम आए हैं। जस्ट आप सामने देख पा रहे हैं इधर की साइड, तो वो आपकी रहने वाली 120 फीट रोड, वहाँ से मात्र 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल रहा है आपका ये हाउस। देखा आपने कितनी अच्छी लोकेशन आपको मिल रही है। मेन कालवा रोड से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर आपका ये घर लोकेटेड है। देखा आपने मार्केट भी आपको नियर बाई मिलने वाला है एंड आपके कॉलेजेस स्कूल्स भी नियर बाई आपको मिल जाएंगे। लोकेलिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है और आज का घर तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। JD अप्रूव्ड आज का हाउस है। फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो वाटर एंड सीवरेज भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी के साथ देख पा रहे हैं जो बर्म एरिया है ये भी बहुत ही अच्छी टाइल्स के साथ में प्रिपेयर किया गया है। इजीली बहुत ही प्यारी है, जब आप नीचे उतरेंगे या चढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपका पैर स्लिप होगा। साइड में भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस रखा गया है, यहाँ पर इजीली आप अपना 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जाएं तो अपनी ग्रीनरी को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों डोर भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्लास वर्क भी दिया गया है जो कि वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। घर की एंट्री को खूबसूरत बनाने के लिए डुअल लैंप्स भी आपको लगवा कर दिए गए हैं। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी आपको लोबी मिल जाती है, लाइक आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है। ये देख सकते हैं ये है आपका पार्किंग एरिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज की। 15x50 के डायमेंशन के साथ 83 गज में इतना खूबसूरत मकान आपको बनाकर दिया गया है दोस्तों, जो कि मैच करेगा आपके ड्रीम हाउस से। तो फिर से यही बोलूंगी कि वीडियो को स्किप ना करें। तो ये है आपका पार्किंग एरिया, इजीली यहाँ पर आ जाएगी आपकी छोटी 4-व्हीलर कार या फिर आपके पास 2-व्हीलर है तो वो भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी वॉल पे देख सकते हैं आप टेक्सचर वर्क किया गया है, यानी कि डंपलेस प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आ जाता है आपका वाटर टैंक प्रोविजन। ऊपर भी सीलिंग में देख सकते हैं वुडन वर्क किया गया है, कॉप लाइट्स भी लगवा कर आपको दी गई है। आ जाइए यहाँ से अभी हम चल रहे हैं लिविंग एरिया में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आपके लिविंग एरिया में और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आपकी ये वॉल दी गई है। सिंपल वॉल नहीं है, डिज़ाइनर वॉल आपको यहाँ पर मिल रही है। देखा यहाँ पर वुडन वर्क किया गया है, जो वॉलपेपर है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वुडन वर्क के साथ में आपको मिल रहा है LED पैनल, बहुत ही प्यारा तैयार किया गया है। आपने तो देखा कि स्टेयर्स आपको अंदर से मिल रही है जो कि आपको ले जाएगी फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स के नीचे जो ये वुडन वर्क आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वर्क नहीं है, इसके नीचे आपको छुपा हुआ हिडन स्टोरेज मिलने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल रहा है। घर में बहुत सारा सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान, तो वो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं इजीली। आ जाइए देखते हैं लेडीज़ की जान मान शान मॉड्यूलर किचन। तो दोस्तों ये है किचन आपका और देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा है। हर बार की तरह किचन बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपको मिल रहा है। यहाँ पर टाइल वर्क दिया गया है, वेंटिलेशन बना रहेगा एंड ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम दिया गया है। आ जाइए विजिट कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाता है कॉमन वॉशरूम। कॉमन नहीं, ये आपको कॉमन प्लस अटैच रहने वाला है बिकॉज इसकी एक एक्सिस आपके फर्स्ट बेडरूम से भी दी गई है। देख पा रहे हैं स्पेस बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है दोस्तों।
एंड इसी के साथ अभी हम आ चुके हैं आपके फास्ट बेडरूम में। वाओ, अमेजिंग स्पेस देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर आ जाएगा आपका बड़ा सा बड़ा बेड, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा स्पेस बच जाएगा मूव करने के लिए। यहाँ पर देखिए वॉल भी डिज़ाइनर आपको वॉल मिल रही है, साइड में वुडन वर्क किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर जो वार्डरोब आपको मिल रही है इस पर भी वुडन वर्क रहने वाला है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल रहा है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आपको यहाँ पे बड़ी सी बड़ी विंडो मिल रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा क्योंकि इसके साथ आपको बैकयार्ड मिल रहा है। ये देखिए स्पेशियस है ना, ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा। तो दोस्तों अभी हम फाइनली कर चुके हैं आपके ग्राउंड फ्लोर का टूर, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आ जाइए, मिलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पे, और ये देखिए ये आ जाता है सबसे पहले आपका सिटिंग एरिया। यहाँ पर भी वॉल आपको सिंपल नहीं दी गई है, यहाँ पर डिज़ाइनर वॉल आपको मिल रही है, देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे वुडन वर्क दिया गया है। एंड जो वॉलपेपर है यार, मुझे तो वाकई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। फॉल सीलिंग में भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से वॉलपेपर और कॉपलेट्स के साथ कंप्लीट फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। ये देखिए एज इट इज़ ये कॉमन प्लस अटैच्ड वॉशरूम आपको दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये है आपका सेकंड बेडरूम, एज इट इज़ आपके फर्स्ट बेडरूम जैसा बना हुआ है। थोड़ा सा जो वॉलपेपर है ये डिफरेंट आपको मिल रहा है, यहाँ पर एज इट इज़ आपको वाइड विंडो एंड अटैच बैकयार्ड दिया गया है। तो दोस्तों देखा आपने, सेकंड बेडरूम भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पेस के साथ मिल जाता है। आ जाइए देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये आपको डायरेक्ट ले जाएंगे आपके टेरेस की ओर। आ जाइए, ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम। देखिए बहुत ही अच्छे वॉलपेपर के साथ आपको थर्ड बेडरूम मिल रहा है, यहाँ पर भी सेम वुडन वर्क किया गया है, एज अ टीज वार्डरोब मिल जाती है। एंड ये जो विंडो आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला लुक यहाँ से आ रहा है, डे लाइट आपको यहाँ से मिलती रहेगी, यहाँ पर भी खूबसूरत आपको इंटीरियर मिल जाता है। अभी देख लेते हैं आपके टेस्ट बैल्कनी। तो आ जाइए दोस्तों, ये है आपकी बैल्कनी, देख पा रहे हैं यहाँ से काफ़ी प्यारा सनसेट दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ही अच्छी वाली वाइब आ रही है। टी कॉफ़ी के साथ यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर से कवर्ड भी रहने वाली है। तो प्यारा सा सनसेट व्यू देख के हमने कर लिया है आपके प्यारे से हाउस का टूर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। एंड इसी के साथ में थोड़ा सा कष्ट कर अपने डिमांड्स भी मेंशन कर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आप वेट कर रहे हैं कि यार निशा प्राइस नहीं बताई, प्राइस नहीं बताई, तो जान लेते हैं प्राइस। 55 लाख में आपको ये हाउस मिलने वाला है। तो दोस्तों देर किस बात की है, नंबर स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे हैं, फ़ोन उठाकर निशा को कॉल करें और आ जाइए साइट विजिट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।